हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में। आज की जो क्लास है हमारी रेशियो अनुपात। अनुपात का बीज क्या होता है समझते हैं इसको। देखिए अनुपात होता क्या है। अनुपात का मतलब होता है भाग या बंटवारा। जैसे देखिए अगर जो 100 रुपये है, इस 100 रुपये को ए बी और सी ने 2, 3 और 5 के अनुपात में अगर बांटा जाए तो सबसे बड़ी राशि किसकी होगी या सबसे छोटी राशि किसकी होगी। तो देखिए यहाँ पे जो 100 रुपये है, इस 100 रुपये को ए बी और सी, ए ने 2 भाग, बी को 3 भाग और सी को 5 भाग, मतलब 2:3:5 के अनुपात में अगर बांटा जाता है तो ये जो 100 रुपये है टोटल कितने भाग में बढ़ रहे हैं। 2 और 3 5, 5 और 5 कितना 10। तो 100 रुपये जो है आपके 10 भाग में बटे तो एक भाग कितने का होगा, 10 रुपये का। एक भाग 10 रुपये का, तो 2 भाग कितने का, 20 रुपये का। 3 भाग 30 रुपये का। 5 भाग 50 रुपये का। क्लियर है। मतलब सबसे बड़ी राशि किसकी है, सी की। सबसे छोटी राशि किसकी है, बी की, सॉरी ए की। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का योग कितना है, कुछ भी क्वेश्चन आपको करता है। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन करते हैं इसमें, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि किसी विद्यालय में 400 स्टूडेंट हैं, ठीक है, किसी विद्यालय में 400 छात्र हैं, इन छात्रों में बॉयज एंड गर्ल्स, क्लियर है, इन विद्यालय में टोटल 400 विद्यार्थी हैं जिसमें बॉय और गर्ल, तो बॉय का जो अनुपात है 5 है और गर्ल का जो अनुपात है 3 है, ठीक है। मतलब किसी विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कियों की संख्या 50 और बढ़ जाए, यदि लड़कियों की संख्या में 50 और बढ़ जाए तो इनका अनुपात कितना होगा। क्लियर है, समझते। देखिए तो 400 जो है 5 भाग लड़कों का है, 3 भाग लड़कियों का है, टोटल कितने भाग में बटे, 5 और 3 8 भाग में, तो 400 जो है 8 भाग में बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, एक भाग कितने का 50 का, एक भाग कितने का 50 का, तो 5 भाग कितने का 250 का और 3 भाग कितने का 150 का, एक भाग 50 का तो 5 भाग 250 का, 3 भाग 150 का। अब बोलता है कि यदि लड़कियों की संख्या 50 और बढ़ जाए तो इसी में अगर लड़कियों की संख्या 50 और बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 150 + 50 = 200। अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएंगे दोनों, तो 5×5=25 और 5×2=20, अतः उनका अनुपात हो जाएगा 5:4। क्लियर है। अतः उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4। ठीक, रेशियो में चलते हैं। जो आपका बेसिक से जो क्वेश्चन रहता है आपके सेंट्रल लेवल पे ज्यादा स्टेट पर क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखिए अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि ए अनुपात बी का वैल्यू 1:2 है और बी अनुपात सी की वैल्यू 3:4 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है। तो देखिए ए अनुपात बी, ए बटा बी का जो वैल्यू है 1/2 और बी बटा सी का जो वैल्यू है 3/4। क्लियर है। तो यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां पे बी का वैल्यू 2 है और यहां पे बी का वैल्यू क्या है 3 है, तो दोनों को अगर अपन इक्वेट कर लेंगे तो अपने को ए बी सी का जो रेशियो क्या है वो पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इस 3 को यहाँ पे और इस 2 को यहाँ पे, तो 3 का गुना अगर यहाँ पे किया और इस 2 का गुना यहाँ पे किया तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 2×3=6 और ये कितना बन जाएगा, 2×3=6। देखिए बी का वैल्यू यहाँ भी 6, बी का वैल्यू यहाँ भी 6। क्लियर है। तो रेशियो बोलता है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो एडिशनल नंबर पे हमने बहुत अच्छा समझा था कि अगर अंश जो है, हर जो है, नीचे आप जिस संख्या को गुणा करेंगे उसी संख्या को ऊपर गुणा करना है, जिस भी संख्या को आप जोड़े घटाएं भाग करें जो भी करेंगे, नीचे जो होगा ऊपर वही होगा, ऊपर जो होगा नीचे वही होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 नीचे में 3 का गुणा हुआ है, ऊपर भी 3 का गुणा करेंगे तो 3×1 कितना मिल जाएगा 3, और यहाँ पे 2 का गुणा किए हैं, नीचे भी 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4×8, मतलब ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू देखिए दोनों जगह कितना है 6 और सी का वैल्यू कितना है 8, मतलब हम बोल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3:6:8, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। ओके, एक क्वेश्चन आप देखते हैं इसी में। मान लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू 2:3 है और बी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू 5:4 है, तो अनुपात क्या होगा। तो देखिए a बटा b बराबर दिया है 2/3 और b बटा c बराबर दिया है 5/4। क्लियर है। तो यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 5 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 5 का गुना यहाँ कर लिए और 3 का गुना यहाँ, ये कितना हो गया 15, ये भी कितना हो गया 15। ठीक है। तो अब देखिए नीचे में 5 का गुना ऊपर भी 5 का गुना, तो 5×2 कितना हो गया 10। अब ऊपर में 3 का गुना मतलब नीचे भी 3 का गुना, तो 4×3 कितना हो जाएगा 12। a का वैल्यू 10, बी का वैल्यू दोनों जगह कितना आ गया 15 और सी का वैल्यू कितना है 12, मतलब हम बोल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू 10:15:12, यही क्या हो जाएगा आपका रेशियो।
क्लियर। चार वाले पे चलते हैं। जैसे चार वाला अगर आपको कोई दे जाए, मान लीजिए अगर आपको बोला जाता है कि ए अनुपात बी बराबर एक अनुपात दो, बी अनुपात सी बराबर तीन अनुपात चार, टेन सी अनुपात डी बराबर पांच अनुपात छह, तो रेशियो क्या होगा? तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए बी का वैल्यू दिया है एक दो, बी सी का वैल्यू दिया है तीन चार, सी डी की वैल्यू दिया है पांच और छह, ठीक है। तो देखिए एक दो, एक दो रेशियो में दो का सीरीज हो गया, आगे बढ़ा दीजिए ये हो गया आपका दो, ठीक है। यहाँ पे चार है, चार को आगे बढ़ा दीजिए, और यहाँ पे तीन रुक गया तो तीन को इधर आगे बढ़ा दीजिए, ये हो गया आपका तीन। पांच अक्षर दिया है तो पांच को इधर आगे बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा पांच, ये हो जाएगा पांच, सब आपस में क्या कर देंगे पूरा। तो पांच किया पंद्रह, कितना हो जाएगा पंद्रह अनुपात पांच किया पंद्रह, पंद्रह दूनी कितना तीस अनुपात पांच छो बीस, बीस दूनी कितना चालीस अनुपात छह छो चौबीस, और चौबीस दूना कितना हो जाएगा अड़तालीस। तो यही आपका क्या हो जाएगा रेशियो, क्लियर है। इससे थ्योरी बेसिस भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इससे थ्योरी बेसिस जो क्वेश्चन बनेगा, जैसे इसमें देखते हैं कि मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि पैंतीस सौ रुपए की राशि है, ठीक है, पैंतीस सौ रुपए की राशि जिसको ए बी सी में बांटना है, पैंतीस सौ रुपए की जो राशि है इसको ए बी और सी में बांटना है, ठीक है। तो अब इसमें कंपेयर हो जाता है, इसी का जो है, इसी का जो है इसमें थ्योरी बेसिस क्वेश्चन करता है कि मतलब जो अभी हमने किया ना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसी का जैसे पैंतीस सौ रुपए है ए बी सी में बटेगा तो ए और बी का कुछ और अनुपात है, बी और सी का कुछ और अनुपात है, तो एक्चुअल में ए का जो राशि है क्या है, बी का एक्चुअल में राशि क्या है, या सी का एक्चुअल में राशि क्या है, या उनका अंतर क्या है, उनका योग क्या है, क्लियर है। समझ लीजिए पैंतीस सौ रुपए की राशि ए बी सी में बटता है, जहां पे ए और जो बी का अनुपात है और बी और जो सी का अनुपात है, क्लियर है। तो ए और बी का जो अनुपात दिया था आपको पांच अनुपात चार, मान लीजिए ये आपको दिया पांच अनुपात चार, और ये दिया आपको तीन अनुपात दो। पैंतीस सौ रुपए राशि ए बी सी में बढ़ रही है, ए बी का भाग पांच और चार का है, बी सी का भाग तीन और दो का है, तो बी का जो राशि रहा एक्चुअल में क्या था, मतलब बी को इस पैंतीस सौ रुपए में कितने राशि प्राप्त हुई, क्लियर है, ठीक। समझते इसको देखिए ए अनुपात बी, ए अनुपात बी मतलब ए बटा बी बराबर दिया है पांच बटा चार, ठीक है। बी अनुपात सी मतलब बी बटा सी दिया है तीन बटा दो, क्लियर है, जो अभी थोड़ी देर पहले किए थे सेम फंडा है, बस इसको थोड़ा पूछना चाह रहा है ऐसा। तो यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू चार, यहाँ पे बी की वैल्यू तीन, तो इक्वेट करने के लिए यहाँ पे तीन का गुना और उसमें इक्वेट करने के लिए यहाँ पे चार का गुना, क्लियर है। तो अब देखिए ये कितना हो गया बारह, और ये कितना हो गया बारह, तो देखिए नीचे तीन का गुना ऊपर भी तीन का गुना, तो पांच तीन कितना हो गया पंद्रह, क्लियर है। अब ऊपर चार का गुना तो नीचे भी चार का गुना, तो चार दूनी कितना हो जाएगा आठ, तो ए का वैल्यू क्या हो गया पंद्रह, और बी का वैल्यू क्या है बारह, और सी का वैल्यू क्या है आठ, मतलब ए को पंद्रह भाग, बी को बारह भाग, और सी को आठ भाग मिले, ठीक, किसमें पैंतीस सौ रुपए में से। तो समझिए पैंतीस सौ रुपए जो है, पैंतीस सौ रुपए टोटल कितने भागों में बट रहा है, बारह पंद्रह आठ, टोटल कितने भाग में बारह और आठ बीस, दस बीस और पांच कितना पैंतीस भाग में बट रहा है। पैंतीस सौ रुपया पैंतीस भाग में बटेगा, एक भाग कितने का होगा सौ रुपए का, एक भाग कितने का सौ रुपए का, पैंतीस सौ रुपए पैंतीस भाग में बटेगा तो एक भाग सौ रुपए का, तो बारह भाग कितने का बारह सौ रुपए का, ठीक। यही पूछना चाह रहा है कि पैंतीस सौ का अगर इस रेशियो में बांटा जाए तो बी को कितना राशि प्राप्त होगा, तो पैंतीस सौ का बारह भाग बी को मिलेगा, एक भाग सौ का तो बारह भाग कितने का बारह सौ का, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि मान लीजिए अगर x अनुपात y की वैल्यू दो अनुपात तीन है, तो दो एक्स धन तीन वाई अनुपात पांच एक्स धन y का वैल्यू क्या होगा, क्लियर है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे x का ही वैल्यू क्या है दो, और y का ही वैल्यू क्या है तीन। एक क्वेश्चन अभी पटवारी वाले एग्जाम पे इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया था, और हमने इसका सोल्यूशन भी दिया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो जरूर देखिए, क्लियर है। तो देखिए x का वैल्यू, x का x का भाग कितना है दो का भाग, और y का भाग कितने का है तीन का, मतलब दो x बोलना चाह रहा है तो x का ही भाग कितना है दो है, तो दो दोनों कितना हो जाएगा ये चार, प्लस y का भाग कितना है तीन, तो तीन तीन कितना हो जाएगा नौ, क्लियर है, ओके। अब देखिए पांच x धन y, x का भाग कितना है दो, तो पांच दोनों कितना हो जाएगी दस, और y का भाग कितना है तीन, तो ये हो गया तीन, तो देखिए नौ चार कितना हो गया तेरह, और दस और तीन कितना हो गया तेरह, तो तेरह और तेरह का रेशियो कितने का होगा एक अनुपात एक का, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
वैसे भी रेशियो जो है आपका इजी चैप्टर है, क्लियर ना, रेशियो अच्छा अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। और एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, जैसे जैसे अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा, 3:5 के प्रत्येक पद में का जोड़ें कि 2:3 हो जाए, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े, क्या जोड़े कि जो अनुपात है आपका 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए, ठीक है समझे। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इनका अनुपात 2:3 हो जाए, क्लियर है, कि इनका अनुपात 2:3 हो जाए, ठीक है समझ लीजिए। मान लीजिए 1/3 का है और 1/5 का है, ठीक है, 1/3 का 1/5 का प्रत्येक में मान लो अगर मैं 1 से जोड़ता हूं तो अनुपात कितना हो जाएगा, होता है 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यकगुणा करने से 3 कितना हो गया 9 प्लस 3 × 1 कितना हो जाएगा 3x बराबर 2×5 के साथ 2×5 = 10 प्लस 2×1 से काम करने से हो जाएगा 2x, तो 3x में 2x घटेगा तो 1 आएगा और 10 में से 9 घटेगा कितना आएगा 1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अतः प्रत्येक पद में 1-1 जोड़ देंगे तो 2/3 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको आसानी से समझते हैं, देखिए बोलना क्या चाहते हैं, 5 × 2 कितना हो जाएगा सीधा सीधा 10 और 3 कितना हो जाएगा 9 और इन दोनों का अंतर कितना है 1, तो अतः 1 ही जोड़ा जाए, क्लियर है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, 3×9 = 5×10 दोनों का अंतर 1 का है, अतः 1 उसमें जोड़ दिया जाएगा तो अपने को ये वाला रेशियो जो पूछना चाहता है वो प्राप्त हो जाएगा, क्लियर है। ओके एक क्वेश्चन और करते हैं इसी, देखिए जैसे अच्छा आपको तो मध्यानुपाती तृतीयानुपाती चतुर्थानुपाती याद पता ही होगा ना, ठीक है, जैसे देखिए क्या होता है, ये आपको सेंट्रल SSC ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन करता है, व्यापम और PSC की अगर बात करें तो जो हमने किया है वहीं से क्वेश्चन आता है, जैसे A:B का वैल्यू कुछ दिया है, B:C का वैल्यू कुछ दिया है, तो A:B:C की वैल्यू क्या हो जाएगी, या किसी राशि को इस रेशियो में अगर बांटा गया तो उनकी राशियों का अंतर क्या है या योग क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका PSC और व्यापम रहेगा। जैसे मैं मध्यानुपाती तृतीयानुपाती की बात कर रहा हूँ, देखिए A और B का मध्यानुपाती क्या होगा, तो मध्यानुपाती को जानने से पहले अपने को समानुपाती जानना पड़ेगा, ये होता है आपका समानुपाती, मतलब समान अनुपात में, समान अनुपात का एक्चुअल मैच होता है बराबर। तो जैसे अगर आपको बोला जाए, जैसे क्वेश्चन करते हैं कि 9 और 25 का मध्य अनुपाति क्या होगा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको 9 और 25 का जो मध्य का अनुपात है वो क्या होगा, तो मान लीजिए वो 1 होगा, ठीक है, तो 9:1 का समान अनुपात होगा 1:25, मध्य का अनुपात निकालना है, तो ये हो जाएगा 9/1 और समान अनुपात का वैल्यू होता है बराबर, और ये हो जाएगा आपका 1/25, x पर x को गुणा करने से कितना हो जाएगा 1 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 9×25, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो √9×25, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 × 5 का वर्गमूल क्या होता है, सॉरी 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो 3×5 कितना होगा 15, यही क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर, ठीक है। आगे अपन इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, तो आज फिर इतना ही, उसके बाद फिर यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपका, एक थैले में इतना पैसा है, इतने सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या क्या है या उनका अनुपात क्या है, इस टाइप के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए नमस्कार, पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, सॉरी नमस्कार।